गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कार्स विद MZ। और आज मैं आपको जिस गाड़ी के बारे में बताना जा रहा हूँ वो है सेल्टोस, न्यू सेल्टोस फेसलिफ्ट। आप देख रहे हो अंदर से कितना प्रीमियम लुक दिया हुआ है गाड़ी का। ये इस टाइम हम जिस वेरिएंट के में बैठे हैं, इस वेरिएंट का नाम है सेल्टोस HTX, फोर्थ वेरिएंट आता है ये गाड़ी के अंदर। इसमें आपको क्या क्या चेंजेस मिले हैं, क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा आए हैं पुरानी सेल्टोस से, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गाड़ी के अंदर आप देख रहे हो आपको फुल डिजिटल स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसके अंदर आप सभी नेविगेशन, करंट ट्रिप, नेविगेशन ट्रिप आप सब देख सकते हैं। ये पहले नहीं आता था, पहले सेल्टोस में एनालॉग मीटर आता था, बट अभी जैसे इन्होंने ये चीज़ कारेंस से ली है, कारेंस में और इसमें सेम, इस वेरिएंट तक सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा आपको। साथ के साथ स्टेयरिंग देखिए, स्टेयरिंग इसका गाड़ी का डी कट स्टेयरिंग है, नीचे से थोड़ा सा फ्लैट है और गाड़ी में लेदर रैप्ड दिया हुआ है, मतलब आप इजी टू ड्राइव है, ग्रिपिंग अच्छी रहती है इस वाले स्टेयरिंग के अंदर। साथ के साथ और क्या फीचर्स इसके अंदर एड ऑन्स हुए हैं पुराने वाली सेल्टो से, वो मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी की आप टच स्क्रीन देख रहे हैं, 10.25 की टच स्क्रीन आती है, पहले भी सेम वेरिएंट में आती थी बट पहले थोड़ा सा हेड अप डिस्प्ले में आती थी, अब इन्होंने ये पूरा कनेक्टेड क्लस्टर के साथ दे दिया है। उसके बाद साथ के साथ जो गाड़ी में जो चीज़ें नई न्यू आई है वो है ड्यूल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल। आप को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड दोनों आप गाड़ी के अंदर टेम्परेचर सेट कर सकते हो, इसे कहते हैं ड्यूल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल। पहले वाली गाड़ी में सिंगल जोन आता था, अब की बार ड्यूल जोन दे दिया है इन्होंने। और साथ के साथ जो गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा, एक यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है, जो प्लास्टिक है ये सॉफ्ट टच है, यहाँ पे सब वूफर मिल जाता है इसके अंदर। और साथ के साथ जो गाड़ी में आपको और जो फीचर्स मिलते हैं वो है, गाड़ी के अंदर आपको जो न्यू चीज़ मिलती है वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। पहले वाली गाड़ी में, इससे ऊपर वाले वेरियंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आते थे HTX प्लस में, बट अब की बार इन्होंने इसके सेकंड वेरिएंट से ही स्टार्ट कर दिए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है आपको सी टाइप, पहले सी टाइप नहीं आता था, अब इस कार में जो न्यू फेसलिफ्ट आया है इसमें सी टाइप चार्जिंग सॉकेट मिला है, USB पोर्ट और 12 वोल्ट का आपको एक और चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। गाड़ी के अंदर ड्यूल जोन इंटीरियर मिलता है बीज प्लस ब्लैक कलर का। और साथ के साथ जो गाड़ी में चीज़ नहीं आई है वो है पैनारोमिक सनरूफ। इस चीज़ का बहुत ही वेट कर रहे थे कस्टमर्स के भी, कब गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ आए तो हम इसको बाय करें, क्योंकि एक यही थोड़ा सा कस्टमर्स का फीडबैक रहता था हमेशा कि भी गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। आप देख रहे हैं सामने, वो इसका पुराने वाला वेरिएंट खड़ा है और अभी हम जिसमें हैं वो इसका न्यू वेरिएंट है। गाड़ी के अंदर आपको और चीज़ें इसके अंदर इंटीरियर में क्या क्या मिल जाता है, गाड़ी में वैले मोड मिल जाता है, मैप है जो नेविगेशन के साथ वर्क करता है, क्वाइट मोड है, साउंड मोड लाइट्स दे दी है अब की बार इसके अंदर। उसके बाद आप किया कनेक्ट गाड़ी है और साथ के साथ अलेक्सा भी वर्क करता है। अब की बार आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप अलेक्सा से गाड़ी को कमांड दे सकते हैं, गाड़ी का सनरूफ ओपन कर सकते हैं, गाड़ी की मिरर्स डाउन कर सकते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अलेक्सा से आप काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद गाड़ी का जो टच दिया है, ये देखिए ये टच दिया है, बहुत ही सॉफ्ट टच है, मतलब ऐसा लगता है कि भी हम किसी फ़ोन की स्क्रीन चला रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट टच है बिल्कुल ही। एक हमें एक आईपैड होता ना, उस आईपैड वाली फीलिंग आ रही है इसके अंदर इसको टच करते हुए। साथ के साथ सेम जो वाइपर्स का रहता है वो यहाँ पर सेम है, वो भी सेम दिया है। उसके बाद लाइट्स का यहाँ पर सेम दिया है। साथ के साथ यहाँ पर एक और चीज़ दी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है आइडल स्टॉप एंड गो का फंक्शन। ये कैसे वर्क करता है, देखो कुछ गाड़ियों में इसको कहते हैं हाइब्रिड है ये, और अभी इन्होंने जो किया ने इसका न्यू नेम दिया है वो है ISG। ISG का मतलब है आइडल स्टॉप एंड गो। अगर आप यहाँ से चलते हैं, आपने सीट बेल्ट वियर किया, आपने फर्स्ट गियर लगाया, आप गाड़ी चला रहे हैं, 5 to 7 किलोमीटर्स के बाद अगर कोई भी रेड लाइट आती है, कोई भी आप स्टॉप लेते हो, तो सिर्फ ब्रेक प्रेस करते हुए ही आप गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाता है। दोबारा आप ब्रेक प्रेस रिलीज करते हो गाड़ी की तो दोबारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा इसका।
तो ये इसके अंदर एक न्यू फंक्शन इन्होंने फीचर्स दिया है। और ये देखिए एक और चीज है जो गाड़ी की लुक है, आप देखिए ये जो 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 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये वाला, ये देखिए जो कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये देखिए कि मैं मतलब लुक बहुत अच्छी आ रही है इसकी, बहुत प्रीमियम लुक है। मतलब आप ऐसा लग नहीं रहा कि भाई किया ने मतलब ये ना कहते हैं ना फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया है एक सेल्टोस के अंदर, जिसके कारण कस्टमर्स का और इनके ऊपर भरोसा हो गया है। और सबसे मेन चीज एक और है बात, गाड़ी का जो फर्स्ट डे जब गाड़ी लॉन्च हुई थी सेल्टोस जब इंडिया में आई थी, तो 6000 समथिंग की बुकिंग हुई थी उस टाइम पर वन डे पैन इंडिया, ओके। और अब की बार जो न्यू सेल्टोस फेसलिफ्ट आया है 2.0, जो इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, 13421 यूनिट्स वन डे पैन इंडिया बुक की है गाड़ी। तो आप देख सकते हो कि भी सेल्टोस का क्रेज कितना अच्छा चल रहा है और कितनी लुक्स इसके अंदर अच्छी कर दी है इन्होंने। और गाड़ी का मतलब काफ़ी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ गाड़ी के अंदर लेदर सीट्स दी हुई है, ये देखिए फैब्रिक बना हुआ है, ये काफ़ी अच्छा पैटर्न दिया है उन्होंने, ये पहले से थोड़ा सा चेंजेस किया है उन्होंने यहाँ पे। उसके बाद जो गाड़ी के सनरूफ है, आप देख सकते हो ये पैनोरामिक सनरूफ दिया है गाड़ी के अंदर, ये मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। आप इसको अगर हल्का सा टच करते हो तो ये गाड़ी का आप देखिए ये फुल पैनारोमिक सनरूफ है, मतलब कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब ना। और सबसे एक और चीज़ हमें जो पता लगी है गाड़ी के अंदर, जो सनरूफ ओपन होता है ना वो सबसे फास्ट है, उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, इन सेगमेंट में सबसे अच्छा है। और साथ के साथ आप देखिए हाफ सनरूफ ये ऑन हो गया है, साथ में आप एक नेट भी दिया हुआ है, नेट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कोई भी आगे से धूल या मिट्टी कुछ भी आती है तो वो गाड़ी के अंदर ना आए। तो ये बहुत अच्छा ही, मतलब ये किया ही सोच सकती है इन चीज़ों के बारे में, और अदर ब्रांड में इतना नहीं वो चीज़ देख सकते। और देखिए अगर ये जब बंद हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ये भी सनरूफ भी बंद हो जाता है। अभी बात करते हैं इसके बाहर के डिज़ाइन के बारे में, आप रुकिए हम आपको इसका बाहर का डिज़ाइन भी दिखाते हैं एक बार। आप देख रहे हैं साथ के साथ गाड़ी के अंदर 17 इंच के गन मेटल अलॉय आए हुए हैं, ठीक है, जो पहले से थोड़ा सा इन्होंने फिनिशिंग में चेंज किया है। और उसके बाद आप गाड़ी की फ्रंट लुक देख सकते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर जो इन्होंने चेंजेस किया है, ये मेरे पास जो ओल्ड सेल्टोस है वो है, जो पुराना सेल्टोस फेसलिफ्ट है ये वाला, आप देख रहे हैं यहाँ पे अंदर इसको ऊपर को DRLs मिल रहे हैं आपको इसके अंदर, बट इसके अंदर बिल्कुल ये डिफरेंट किया है इन्होंने। आप ये देखिए गाड़ी के अंदर इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल ही इसमें क्राउन ज्वेल LED लाइट्स दी है, फ्रंट की टाइगर नोज ग्रिल चेंज कर दी है, साथ के साथ इसमें आइस क्यूब, पहले 3 आइस क्यूब आते थे बट अब की बार 4 आइस क्यूब्स दे दिए हैं गाड़ी के अंदर, आप देख रहे हैं गाड़ी का। और ये इस कलर है जो ये, और ये STX वेरियंट है, इसके बाद ये इंपीरियर ब्लू कलर है गाड़ी का। आप देख सकते हैं गाड़ी की लेंथ में भी थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाई है, गाड़ी की 50 mm लेंथ पहले वाली सेल्टो से इन्होंने इंक्रीज़ की है, जिससे गाड़ी की स्टेबिलिटी और गाड़ी के परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और गाड़ी का आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, गाड़ी की जो लाइट्स है, जो इंडिकेटर लाइट्स है, अब की बार ये स्वीपिंग लाइट्स दे दिए इन्होंने, मतलब जैसे ही गाड़ी की हम इंडिकेटर ऑन करते हैं तो स्वीपिंग करते हैं ये, मतलब ये ब्लिंकर सिर्फ हैजर्ड लैंप में ब्लिंक करेंगे और ये स्वीपिंग करेंगे जब आप कोई भी लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर कोई भी आप देते हैं इसके अंदर। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और मैं मनीष आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।